और उम्र ना ढले, हम कभी बूढ़े ना हों, कईयों की ये दिली तमन्ना होती है। लेकिन क्या वो जो वजह होती है कि इंसान उम्र दराज होने लगता है, ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया है। और फिर क्या रहा उसका नतीजा, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या वैज्ञानिकों को बूढ़ा होने की रफ्तार कम करने का तरीका मिल गया है? एक दवा के इस्तेमाल से लैब में जानवरों का जीवन करीब 25% बढ़ाने में सफलता मिली है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि इससे इंसानों में भी उम्र ढलने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकेगा। इन चूहों को जवान नजर आने के कारण सुपर मॉडल ग्रैनीज नाम दिया गया है। रिसर्चर्स ने दो प्रयोग किए, एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड चूहा पैदा किया जो इंटरल्यूकिन 11 नाम का प्रोटीन पैदा नहीं कर पाता, और दूसरे प्रयोग में एक उम्र दराज चूहे को ऐसी दवा दी गई जो इस प्रोटीन को हटाती है। माना जाता है कि इंटरल्यूकिन 11 प्रोटीन से ही बुढ़ापा आता है। जिन चूहों में ये प्रोटीन नहीं था वो तंदुरुस्त थे और उनमें बाकी चूहों की तुलना में कैंसर भी कम हुआ। अब इस दवा को इंसानों पर भी टेस्ट किया जाने लगा है। लंग फाइब्रोसिस के मरीजों को ये दी जा रही है जिनके फेफड़े खराब होने के कारण सही से सांस नहीं ले पाते। मगर अभी तक ये नहीं मालूम कि इससे इंसानों में भी बुढ़ापे की रफ्तार कम होगी या नहीं। ये बुढ़ापे को दवा की मदद से टालने का एक नया तरीका है। दो और दवाओं मेटफॉर्मीन और डेपामाइसिन का पहले ही एंटी एजिंग गुणों के लिए अध्ययन किया जा रहा है।